नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टैली प्राइम के अंदर किस तरह से लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे हमने एक कंपनी यहाँ पर क्रिएट की हुई है। अब आपको जाना है अपने क्रिएट वाले ऑप्शन पे। क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने इन्वेंटरी मास्टर के अंदर एक ऑप्शन आपके सामने शो होगा लोकेशंस का। आपको इस लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आएगी, इसमें आपको करना है क्रिएट नाउ। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी लोकेशन क्रिएट कर लेनी है, यानी कि आपने गोडाउन क्रिएट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर गोडाउन अपना क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्रिएट किया संत नगर और उसके बाद एंटर प्रेस करके मैं इसको प्राइमरी लोकेशन में डालता हुआ सेव कर दूंगा। इसके बाद एक लोकेशन और क्रिएट कर लेता हूँ जड़ौदा के नाम से और इसको भी प्राइमरी लोकेशन में डालते हुए मैं इसको भी सेव कर दूंगा। और एक लोकेशन और क्रिएट कर लेता हूँ इन लोकेशन के नाम से और इसको मैं डालूंगा मेन लोकेशन के अंदर। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको स्कैप करके पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे। तो हम चले जाते हैं सीधे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से F9। पहले मुझे गुड्स को परचेज करना होगा इन लोकेशंस के अंदर, देन इसके बाद मैं उसको ट्रांसफर करूंगा। तो सबसे पहले हम परचेज में जाने के बाद यहाँ पर मुझे एक लेजर क्रिएट करना होगा किसी पार्टी का। तो यहाँ पर मैं ऑल्ट सी प्रेस करूंगा और किसी एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्रिएट कर लिया आदित्य कॉरपोरेशन के नाम से एक पार्टी और इसको मैंने अंडर ऑफ डाल दिया सेंड्री क्रेडिटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप इसे कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं। यहाँ भी आप कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए इसको और यहाँ भी आप कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा परचेज का। तो मैं यहाँ पर परचेज का एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको भी अंडर ऑफ डाल दूंगा परचेज अकाउंट के। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करके यहाँ पर गुड्स लेना है और फिर कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देना है। यहाँ पर अब हमें आइटम्स चाहिए होंगे तो यहाँ पर मैं फिर से ऑल्ट सी का यूज़ करूँगा, ऑल्ट सी प्रेस करूँगा और अपना आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक आइटम क्रिएट किया माउस और उसके बाद आप एंटर करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अंडर ऑफ, यानी ये माउस आपका किसके अंडर जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑल्ट सी प्रेस करना होगा और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं लाइक डेल कंपनी का हमारा ये माउस है। हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो जीएसटी डिटेल को यस कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी एप्लीकेबल करना चाहें तो मैं इसको यस कर देता हूँ। और यहाँ पर आप ले सकते हैं टैक्सेबल और यहाँ पर आप जो भी परसेंटेज देना चाहें वो दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पर 18% और इसके बाद एंटर प्रेस करके मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर अपनी यूनिट्स आप लेंगे तो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा ऑल्ट सी और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा NOS नोज और इसे यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए और इसके बाद यहाँ पर एन टाइप करते हुए नंबर्स लेते हुए इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपल एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपसे पूछेगा कि आप इसे किस लोकेशन में मंगवाना चाहते हैं, यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप किसी गुड्स को जिस लोकेशन में डालेंगे वहीं पर ही आपका गुड्स रिप्रेजेंट होगा। यानी यहाँ पर आपसे लोकेशन मांग रहा है कि आप इस गुड्स को किस जगह पर मंगवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्पेस दबाएंगे। स्पेस दबाने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं झड़ौदा, कि हम झड़ौदा में इस आइटम को मंगाना चाह रहे हैं। झड़ौदा के गोडाउन में मैं चाहता हूं मेरा आइटम स्टोर हो जाए और उसके बाद मैंने यहां इसकी क्वांटिटी डाल दी लाइक 100 पीसेस। एंटर प्रेस करूंगा और यहां पर इसका रेट दे देता हूं। तो रेट दे दिया मैंने लाइक 350 रुपीस। एंटर प्रेस किया मैंने और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहां पर मैं एक आइटम और ले लेता हूं, ऑल्ट सी फिर से प्रेस करिए और यहां पर मैं ले लेता हूं लाइक कीबोर्ड और इसको अंडर ऑफ डाल दूंगा मैं सेम डेल के ही। ये भी मेरा डेल का आइटम है। यहाँ पर नोज लेते हुए इसको भी आप कंट्रोल ले करके आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर लोकेशन मांग रहा है तो मैं सेम लोकेशन को फिर से ले लेता हूँ कि मैं ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम लोकेशन में मंगवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर झड़ौदा ले लिया, क्वांटिटी 100 पीस दे दी और इसका जो रेट था वो 550 रुपीस था और एंटर करके मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर आप एक बार और एंटर करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे ऑल्ट सी और यहाँ पर यूज़ करेंगे आप सी जीएसटी यानी टैक्सेशन पार्ट अपना और यहाँ पर आप ले लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस लेने के बाद यहाँ पर आप ले लेंगे जीएसटी। जीएसटी लेने के बाद यहाँ पर ले लेंगे सेंट्रल टैक्स और यहाँ पर कंट्रोल ए कर दीजिए। आप देखेंगे आपका टैक्सेशन यहाँ पर शो हो गया। यहाँ पर फिर से आपको ऑल्ट सी प्रेस करना होगा और यहाँ पर आपको बनाना होगा एसजीएसटी के नाम से एक और लेजर और इसको भी आप अंडर ऑफ डाल देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। यहाँ जीएसटी ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे स्टेट टैक्स और उसके बाद आप इसे एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इस एंट्री को भी यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल को नो रखते हुए सेव करा देंगे। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर 1 ही रखना है और यहाँ पर इसको सेव कर देना है।
यानी कि हमारा जो झड़ौदा गोडाउन था वहां पर हमारा जो स्टॉक था वो आ चुका है। इसको चेक करने के लिए आप एक बार स्कैप करके पीछे आएंगे। पीछे आने के बाद यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट जी प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे गोडाउन। गोडाउन समरी पे एंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ झड़ौदा के अंदर जाएंगे। झड़ौदा के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे टोटल हमारे पास जो पीसीस हैं वो 200 पीसीस हैं। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे ऑल्ट एफ वन। ऑल्ट एफ वन प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कीबोर्ड हमारे पास 100 पीसीस हैं और माउस हमारे पास 100 पीसीस हैं। यहाँ से आप स्कैप करके पीछे आ जाएंगे। पीछे आने के बाद यहाँ से अगर मैं आपको मेन लोकेशन दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, और अगर मैं संत नगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। तो चलिए स्कैप करके हम एक बार पीछे चले जाते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो स्टॉक समरी में जा करके इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डेल पे ऑल्ट एफ1 करेंगे तो आपको दिखा देगा 100 पीसेस यहाँ पर हमारे सामने शो हो गए, लेकिन यहाँ पर हमें गोडाउन शो नहीं करेगा। तो स्कैप करके हम पीछे आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। तो इसके लिए हमें जाना होगा वाउचर्स के अंदर, और वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट F7। ऑल्ट F7 प्रेस करते ही आपके सामने स्टॉक जर्नल का जो वाउचर्स था वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और या तो फिर यहाँ पर F10 वाउचर पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना स्टॉक जर्नल वाउचर यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पार्ट है हमारा स्टॉक मटेरियल का, ये दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला है सोर्स और दूसरा है हमारा डेस्टिनेशन। यानी सोर्स पार्ट वो पार्ट होता है जहाँ से हम गुड्स को भेज रहे हैं, और डेस्टिनेशन वो पार्ट होता है जहाँ पर हम गुड्स को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पेस यूज करेंगे। स्पेस यूज करने के बाद आप कौन से आइटम को भेजना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लाइक कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद यहाँ पर भी आप फिर से स्पेस प्रेस करेंगे। स्पेस प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपका ये जो आइटम है वो किस लोकेशन में है, तो हमने ले लिया झड़ौदा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है कि आप कितने पीसेस यहाँ से भेजना चाह रहे हैं, तो हमने क्वांटिटी दे दी लाइक 50 पीसेस मैं यहाँ से ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ आप बाकी दोनों गोडाउन के अंदर। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर अगर और भी कोई आप स्टॉक लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पेस यूज करूंगा, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं माउस। माउस लेने के बाद माउस के कितने पीसेस मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं माउस के 50 पीसेस ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले लेना होगा अपना गोडाउन। माउस के हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो 100 की है, और यहाँ पर मैं 50 नोस यहाँ से ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्पेस प्रेस करना होगा। स्पेस प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका कीबोर्ड और माउस दोनों शो हो गए। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड को रिसीव कर लेते हैं यहाँ पर डेस्टिनेशन के अंदर। इसको यूज करने के बाद यहाँ पर आपको लोकेशन लेनी होगी, आप किस लोकेशन के अंदर इसको रिसीव करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए मैं लोकेशन जो है हमारी वो संत नगर है, मैं संत नगर के अंदर इसको रिसीव करना चाह रहा हूँ। कितने पीसेस रिसीव करना चाह रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं 25 पीसेस संत नगर में डालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ से फिर से ले लेंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड लेने के बाद यहाँ पर आप फिर से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं अब बाकी के जो 50 पीसेस हैं इसके वो इन लोकेशन के अंदर ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, यानी मेन लोकेशन के अंदर ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम फिर से 25 पीसेस ले लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद दूसरा आइटम जो था हमारा वो माउस था, तो स्पेस दबा करके आप माउस ले लीजिए। यहाँ पे माउस लेने के बाद यहाँ पर स्पेस दबाइए, और इसे आप किस जगह पर लेना चाह रहे हैं तो मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं वापस से संत नगर। और यहाँ पर कितने पीसेस आप लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं 20 पीसेस, यानी रिसीव करना चाह रहे हैं 25 पीसेस, और यहाँ पर एंटर करके हम इसको सेव कराएंगे। यहाँ पर फिर से आप स्पेस यूज करेंगे और फिर से आप ले लेंगे माउस, और माउस को अब यहाँ पर बाकी का जो 25 पीसेस था यानी नोस था वो हम किस जगह पर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, यानी किस जगह पर रिसीव करना चाह रहे हैं, यहाँ पर फिर से आप स्पेस दबाइए और यहाँ ले लीजिए इन लोकेशन, और यहाँ पर ले लीजिए 25 नोस, और एंटर प्रेस करने के बाद इस एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप यहीं पर प्रेस करिए ऑल्ट जी। ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं गोडाउन। गोडाउन समरी लेने के बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ इन लोकेशन। इन लोकेशन के अंदर आप देखेंगे आपके पास टोटल आइटम है वो 50 पीसेस हैं, तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे ऑल्ट एफ वन। ऑल्ट एफ वन प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके कीबोर्ड जो है वो 25 नोज है और माउस आपका 25 नोज है। तो यहाँ पर हम स्कैप दबा के पीछे आ जाएंगे, और इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ संत नगर। संत नगर के अंदर अगर जा करके अगर आप ऑल्ट एफ वन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कीबोर्ड का आपके पास जो क्वांटिटी है वो 25 नोस है और माउस की क्वांटिटी 25 नोस है। तो स्कैप करके पीछे आ जाइए। अब मैं आपको झड़ौदा की लोकेशन दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो 50 पीसेस ट्रांसफर हुए हैं तो इसके अंदर कितना पीसेस बचा हुआ है, इस पर एंटर प्रेस करिए। और यहाँ पर हमारे पास 100 की क्वांटिटी है, और यहाँ पर अभी हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो 200 की थी। ऑल्ट एफ1 प्रेस करिए,
और F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कीबोर्ड हमारे पास 50 नोज है और की माउस भी हमारे पास 50 नोज है। तो स्कैप करके हम पीछे आ जाते हैं। तो ये तो था हमारा स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर आप तीन तरह से कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से एक बार प्रेस करिए Ctrl+H। Ctrl+H प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा जर्नल वाउचर है वो है यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इसमें हमने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का यूज कर सकते हैं, यानी रॉ मटेरियल को आप किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है यूज फॉर स्टॉक जर्नल, जो मैंने रिसेंटली अभी आपको बताया। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यूज फॉर इंटरलोकेशन ट्रांसफर। इंटरलोकेशन ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास एक ही लोकेशन है और एक ही लोकेशन में आप गुड्स को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। इस पर आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है डेस्टिनेशन लोकेशन का। यहाँ पर आपको वो लोकेशन लेनी है जिस लोकेशन में आप गुड्स को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हम स्पेस दबा करके यहाँ से ले लेते हैं इन लोकेशन। मैं इन लोकेशन के अंदर गुड्स को ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप स्पेस दबाएंगे। स्पेस दबाने के बाद आप लेंगे कौन से आइटम को आप इन लोकेशन के अंदर भेजना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना होगा वो लोकेशन जिस लोकेशन से आप गुड्स को इन लोकेशन के अंदर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर जड़ौदा। और यहाँ पर आपको देनी होगी क्वांटिटी, तो हम ले लेते हैं मान लीजिए यहाँ पर 5 पीसेस। 5 पीस में और ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, किसमें, इन लोकेशन के अंदर। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप और भी आइटम्स ले सकते हैं। मान लीजिए कीबोर्ड भी ले लिया मैंने और किस लोकेशन से ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर ले लेते हैं झड़ौदा और यहाँ पर 5 पीसेस ले लेते हैं, 5 नोट्स ले लेते हैं और एंटर करके हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप फिर से प्रेस करिए Alt+G। Alt+G प्रेस करने के बाद यहाँ पर ले लीजिए गोडाउन समरी। और गोडाउन समरी लेने के बाद अगर मैं चेक करूँ इन लोकेशन, तो आप देखेंगे यहाँ पर 60 पीसेस शो हो गया। Alt+F1 दबा के आप चेक कर सकते हैं। 30 पीस आपके पास कीबोर्ड आ गया और 30 पीस हमारे पास माउस आ गया। स्कैप करके पीछे आ जाइए। और अगर मैं आपको दिखाऊं झड़ौदा का लोकेशन, तो यहाँ पर Alt+F1 प्रेस करिए। यहाँ पर आपके पास 45 नोज कीबोर्ड का बचा हुआ है और 45 नोज आपके पास माउस का बचा हुआ है। तो ये था हमारा स्टॉक ट्रांसफर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।